मोदी 3.0 कैबिनेट में बिहार से 8 मंत्री बने हैं। अपने अपने विभाग की कमान संभालने के बाद सभी मोदी के मिशन 2047 के साथ विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य में जुट गए हैं। मोदी सरकार 3.0 के गठन और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है और पीएम मोदी के विजन को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने काम में लग गए हैं। खाद्य मंत्री चिराग पासवान जब अपना कार्यभार संभालने पहुंचे तो उनके साथ पूरा परिवार भी मौजूद था। जिस कुर्सी पर कभी उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान बैठा करते थे, अब उसी कुर्सी पर बैठकर चिराग पासवान को काम करने का मौका मिला है। पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्पत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्पत भारत में लगभग 2-3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा। वहीं पहली बार गया से सांसद बनकर मोदी कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मामलों के मंत्री बने जीतन राम मांझी ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। पहली बार केंद्रीय मंत्री बने जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें जो मंत्रालय पीएम मोदी ने जिस विश्वास के साथ दिया है, उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत उत्प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ये विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। पीएम मोदी ने बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह पर एक बार फिर से भरोसा कर उन्हें कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। गिरिराज सिंह ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया और उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि जिस विश्वास के साथ पीएम मोदी ने उन्हें ये मंत्रालय दिया है, वो उस भरोसे पर